उसे तो बनाना पड़ेगा। मम्मी का बाबा है। अब मैं क्या करूंगी? पूजा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं सुबह 11 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे लव्या को मैंने नहा दिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं 12 बजे तक पूजा पाठ कर ली और मेरी बेटी ने नहा धो लिया है। जैसे लव्या कैसा लग रहा है नहाने के बाद? अच्छा लग रहा है। जो है ना अभी मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो लव्या मुझे बोलती है मामा तुमने आज वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने सोचा चलो नहाने से पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। आज तो आज मैंने लव्या की बातों पे ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। यस लव्या। यस। किसने याद दिलाया? लव्या दीदी ने। लव्या ने याद दिलाया, ठीक है। अभी आप खेलो, मैं जा रही नहाने के लिए, ठीक है। नीचे मत बैठना, ठीक है ना, क्योंकि आप नहा धो लिया ना, गंदा हो जाएगा कपड़ा, ठीक है। बना के आ गई। क्या करके आ गई? ला के आ गई। उसे तो बनाना पड़ेगा। लाइट बला, लाइट जला दी। क्यों बना रही है? ऐसे मम्मी को बाबा है। अब मैं क्या करूंगी? पूटा। पूजा। पूटा नहीं, बंद कर दूँ। तुमको बनाने कौन बोला था? तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और अभी साड़ी पहन रही थी तो लव्या मेरा वीडियो बनाने लगी। उसको भी लगता है कि मम्मा वीडियो बनाती है, तो जब मन वो मोबाइल लेके शुरू हो जाती है। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और क्योंकि 11:30 बज चुके हैं तो मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ 12 बजने से पहले। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। तो अभी जो है दो रोटी और लौकी का सब्जी मैंने बनाया था, चना दाल दाल के वो, और करेले का भाजी वो मैंने खा लिया अभी। पर मैंने खाना नहीं खाया है, यानी कि चावल नहीं खाया है, और जब तक चावल नहीं खाते हैं तब तक तो खाना कंप्लीट ही नहीं होता है। तो अभी खाएंगे भी नहीं, अभी उतना टाइम नहीं हुआ है। तब तक जो है थोड़ा सा लव्या को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है। जब से बिहार आई है तब से उसका पढ़ाई एकदम से बंद हो गया। जो वो जानती थी, इतना कुछ वो सीखी थी ऑनलाइन क्लासेस से, सब कुछ भूल गई। यहाँ तक कि वो पहले उसको पता था 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो सब वो बता देती थी। पर अब वो सब भी वो भूलती जा रही है, छोटी छोटी चीज़ें भूलती जा रही है, तो बड़ी चीज़ें तो बता नहीं सकती। राइम्स वगैरह इतने 10-12 इंग्लिश राइम्स जानती थी, वो सब वो भूल चुकी है। थोड़ा थोड़ा बताती है, बीच में अटक जाती है। तो ये है, तो उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ पर वो नहीं पढ़ती है। फिर भी जा रही हूँ, थोड़ा सा उसको लेके बैठूँगी। और अभी भी मैंने उसको पीटा है, तो अभी भी वो रूम में लेटी हुई है, गंदा हमेशा छूते रहती है। उसको डांटती हूँ कि दादी जो बोलती है वो क्यों बोलती हो, तुम जो बोलती हो वो बोलो। तो इस पर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने अभी उसको पीटा भी है। अभी लेटी हुई है, इसको मैंने अभी लगाया है थप्पड़ जोरों जोरों से, ठीक है। नहा धो के ला दीजिए, उसके बाद जाकर दादी के साथ जाकर गंदा गंदा चीज छूना और बस बदमाशी करते रहना। हाथ पैर में हमेशा मिट्टी लगा लेती है, मतलब लगता ही नहीं है कि इसको मैंने नहा धो के लाया है, ये हाल कर लेती है। देखिए कपड़ा पे गंदा दूर से दिख रहा है, तो क्या फ़ायदा है नहाने का? फिर ऐसे रहो, बिना नहाए हुए रहो, जब तुमको इतना गंदा करना ही है तो फिर नहाने की ज़रूरत क्या है? तो इसी पर मैंने अभी इसको पीटा है। तो अभी देखिए नाटक कर रही है आँख बंद करने का। ए लड़की, मैं देखो तुम्हारे मुँह में कैमरा घुसाती हूँ। ये लो ये लो ये लो, खा गई लव्या, कैमरा खा गई रे, मुँह में चला गया, मुंह में चला गया। चलो मैं जाती हूँ। तो अभी हमने खाना खा लिया है और अभी हम आए हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए। क्या करने आए? आराम नहीं को करने के लिए। सुन
तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:05 और हम लोग आए हैं छत पे थोड़ा सा घूमने के लिए, हवा लगाने के लिए। सोचा देखते हैं, क्योंकि घर से बाहर तो किसी का निकलना होता नहीं है, तो छत से ही सबको आते जाते देख के अच्छा लगेगा। वो भी साड़ी थान दिख रहा है, वो जो वहाँ पे छत दिख रहा है वो भी साड़ी थान है। और ये मेरे घर से नीचे का है नजर। ये मुझे जमानी राजन के छो क्या करो का नीचे। यहाँ पे जो है आटा पीसने वाला चक्की का मशीन है, तो बस उसी की आवाज़ आ रही है। देखो गाइस, मैंने अपना रिंग बनाया। देखो कैसे अभी मैं रोटी बना रही थी रात के टाइम में, लवे आटा लेके इस तरह से पांचों उंगली में, पांच मतलब दसों में ये अंगूठी पहन के तैयार है। हाँ, डेली या काम ही करे, ये अच्छा लगता है। चलो ठीक है बेटा, मैं सब्जी बना लेती हूँ। ठीक है ना, अच्छा लगता है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो ये देखिए, लव्या ने मुझे भी अंगूठी पहना दिया है। खुद तो कर ही रही थी, मैं अभी खाना बना रही थी, मेरा सब्जी चढ़ा हुआ है उधर गैस पे। और ये आई मम्मा, मैं आपको अंगूठी पहनाऊंगी। ये देखिए पांचों में इसने अंगूठी पहना दिया मुझे। कैसा लग रहा है ये अंगूठी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। हाँ गाइस, तो यहाँ पे लव्या मुझे बहुत परेशान कर रही थी, तो मैंने उसको बोला कि चलो तुम पढ़ाई करो, ऐसे नहीं होता है, पूरे दिन तो मस्ती करती है, पढ़ाई नहीं करती है। तो मैंने उसको दिया ABCD सब लिखने बोला और काउंटिंग बोला, लेकिन वो नहीं किया। और देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, मुझे बुलाई मम्मा इधर आ इधर आ, मैं आई, ये देखो मैंने क्या बनाया। तो इसने बनाया है मम्मा, डैडी और बेबी। बेबी कहाँ है, ऊपर है वो छोटा सा जो यहाँ पे दिख रहा है, वो बेबी है। और ये उसके डैडी है और ये उसकी मम्मा है। मतलब इतनी छोटी सी बच्ची और इसका दिमाग देख के मैंने क्या बोला करने, और ये क्या करके यहाँ पे तैयार है। और बोल रही थी नहीं मुझे अब सुंदर सा बेबी बनाना है, ये बेबी अच्छी नहीं बनी, बहुत छोटी बेबी बन गई, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। और ड्रेस तो इसका चेंज होता ही रहता है, फटाफट जाके भिंगा लेती है, तो एक दिन में 2-3 ड्रेस तो चेंज होना ही होना है। तो बस इसका ड्रेस पे ड्रेस चेंज होता जा रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ डिनर करने के लिए। ठीक है, तो डिनर में मैंने बनाया था आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी और करेला का भुजिया बनाया था। और ये दिन में मैंने बनाया था लौकी और चने दाल की सब्ज़ी, तो वो थोड़ा सा बचा हुआ तो उसको मैं गर्म कर रही हूँ, तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा बहुत खा लेंगे। और ये लव्या के लिए दूध रोटी रखा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट कर रही हूँ, मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। गुड नाइट गाइस।